ये पूरा का पूरा किला देखिए पहले एक बार, मुंगेली का, सॉरी चौरेला पेंड्रा। इतना बड़ा पहले बिलासपुर था, देखिए ये इतना बड़ा बिलासपुर था। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एरिया बहुत बड़ा जगह करता था, इसीलिए 10 फरवरी 2020 को इसको बिलासपुर से अलग करके एक सेपरेट जिला बनाया गया। इसे अलग किया गया इसको बिलासपुर से सेपरेट करके 10 फरवरी को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि 10 फरवरी के दिन याद रखना है छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, इनका जन्मदिन है। वो क्षेत्र को बहुत पहले से जिला बनाने के मांग करते रहे। क्योंकि इसको फाइनली जिला बना दिया गया, इसलिए इनके नाम पर या इनके कारण इसको जिला का घोषित कब किया गया? 10 फरवरी 2020। ये जब जिला बना तो यहाँ से कट गया, ऊपर वाला हो गया जीपीएम और नीचे वाला हो गया क्या? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट नहीं, बिलासपुर। ऊपर वाला क्या हो गया? जीपीएम, और नीचे वाला क्या हो गया? बिलासपुर। ये तीन तहसील गौरेला, पेंड्रा और मरवाही को उठाकर काट दिया गया और एक नया जिला बना दिया गया। तो ये अगर जीपीएम का ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है। पहला तो ये, इसका पैरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन है? बिलासपुर। मातृ जिला कौन सा है? बिलासपुर। बिलासपुर एक, कोरबा दो, ऊपर में एमसीबी तीन, और इधर मुंगेली चार। तो कितने जिले को टच करता है, कितने राज्य को टच करता है? एक। कितने राज्य को टच करता है? एक। बस इतनी जानकारी के साथ आगे बढ़िए। ये रहा, ये देखो एक तहसील दिख रहा है, ये देखो काले कलर से एक तहसील दिख रहा है, गौरेला। ठीक है, ऐसे नहीं है, ये ऐसा है पेंड्रा, ऐसे करके पेंड्रा और ये है मरवाही। इसको और स्पष्ट दिखाता हूँ आपको मैं एकदम। ये रहा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्लियर? इस नक्शे के साथ ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश, इतना MCB इधर पूरा ऊपर तक, कोरबा नीचे पूरा, यहां तक BS, और ये जो इतना क्षेत्र है ये कौन है? ये इसका आउटर, ये क्या है? इसका आउटर। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं खींच दूं कि अलग से मेहनत करूं मैं? चलो जो बता रहा हूं उतना तो कम से कम ध्यान दे। बिलासपुर से पेंड्रा, ये अनूपपुर ट्रेन रूट है, क्या ये ट्रेन रूट? बिलासपुर से ये रहा गौरेला, ये मुंगेली होके ये निकल जाएगा कहाँ? भोपाल, NH 45, यहाँ काम अपने को दो ठो स्टेट हाईवे से है, एक स्टेट हाईवे ऐसे है, एक स्टेट हाईवे ऐसे है। ये वाला स्टेट हाईवे का नाम है SH4 और इसका नाम है SH8, इन दोनों से काम है अपने को, SH4 और SH। बस कुछ नहीं बताया हूँ, एक नेशनल हाईवे बताया हूँ, एक ट्रेन रूट बताया हूँ, दो ठो स्टेट हाईवे बताया हूँ, बस।
चलिए ये एग्जैक्ट इसमें तो बना दूं ना, और इसके लिए भी नया बोलोगे अपना हो पाएगा। ध्यान से देखो, ये इतना इलाका है एमसीबी, एमसीपी ये है यहां तक, इधर 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 वाला कोरबा, यहां से यहां तक नीचे है बीएसपी बिलासपुर, इतना इलाका क्या है मुंगेली, और ये पूरा क्या है मध्य बिलासपुर से। देखिए ध्यान से, क्या आया गौरेला, आया गौरेला, गौरेला से थोड़ा सा मुंगेली जाके ये निकल जाएगा कहाँ, भोपाल NH-45। मतलब आपको ये याद रखना है NH-45 नाम का जगह कहाँ, यही आगे चले जाएगा ये ऐसा। एक दो, ये देखो पहला जगह पड़ा गौरेला, जगह का नाम क्या है गौरेला, गौरेला के बाद ये पहुंचेगा अंजनी, अंजनी के बाद ये पहुंचेगा धनपुर, सॉरी पकरिया, तब पहुंचेगा ये पेंड्रा, गौरेला अंजनी पकरिया पेंड्रा धनपुर, धनपुर के बाद ये जगह पहुंच जाएगा कहां मरवाही। यह है स्टेट हाईवे नंबर 8, SH-8 में, SH-8 में क्या क्या पड़ा भैया, गौरेला, गौरेला के ऊपर अंजनी, अंजनी के ऊपर पकरिया, पकरिया के ऊपर पेंड्रा, पेंड्रा के ऊपर धनपुर, धन के ऊपर मरवाही, और क्या निकल गया मनेन्द्रगढ़, कहाँ निकल जाएगा वो मनेन्द्रगढ़। दूसरा एक सड़क इधर से आएगा, ना ऊपर नहीं बनाते, यह है SH-4, SH-4 सर ध्यान से देखिए, ये इस पार पूरा पहाड़ी 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 पहाड़ी, ये एक्चुअल में है कौन सा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है। ये देखो इधर पूरा बॉर्डर पर ऐसा 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 पूरा पहाड़ गया है, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज इसी का ये एक पहाड़ी का ये हिस्सा, इस पार आधा और आधा इस पार, आधा कहाँ इस पार, इस पार यहां पर एक जगह पड़ेगा कबीर चबूतरा, क्या पड़ा जगह कबीर चबूतरा, आगे गए तो यहां पर पड़ेगा जलेश्वर धाम, कौन सा जगह जलेश्वर धाम, तब तक मेरे खुद खींचता नहीं होना तब तक नहीं आता। हिसाब से तुम लोग
रहा गौरेला, अंजनी, पकरिया, पेंड्रा, धनपुर, मरवाही, इसी से एक नेशनल हाईवे आया गौरेला तक। गौरेला से ऐसे गया मुंगेली, मुंगेली से फिर कहाँ निकल गया ये एमपी। ये है NH 45 जा रहा है एक सड़क, ये सड़क है तेरा नेशनल हाईवे नंबर 4, सॉरी स्टेट हाईवे नंबर 4, वो है स्टेट हाईवे नंबर 4। चले आगे, इसके बाद देखो थोड़ा सा काम काम का जगह। अब ये इस पार वाला जगह कहलाएगा अमरकंटक। छत्तीसगढ़ के इस पार अमरकंटक, और इस पार का जगह, ये इतना जगह है कबीर चबूतरा। इतना जगह क्या है? कबीर चबूतरा। और ये यहाँ पर एकदम फेमस मंदिर है जलेश्वर महादेव, नाम वैसे ज्वालेश्वर है। आगे जाएंगे तो इधर पड़ेगा केवची, ये पहुंच जाएगा कहाँ? पेंड्रा। ठीक है, एक नया तहसील का भी नाम याद रखना है, अकोला कोतमी, यहाँ आगे पड़ेगा इधर। संकोला कोतमी नया जिला है, सॉरी नया तहसील है। तो तहसीलों की संख्या हो गई है कितनी? 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3 और 4 गौरेला। लेकिन तहसील बोलोगे बेटा तो इसका नाम है मरवाही। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या आता है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मरवाही है, तहसील का नाम क्या है? इसका नाम है गौरेला वन, नाम है पेंड्रा। नाम क्या इसका? नहीं सॉरी, तहसील का नाम पेंड्रा ठीक है, इसका नाम है पेंड्रा रोड। तहसील के नाम अलग अलग है। तहसील का नाम पहला का है क्या बताया? सकोला कोतमी 1, मरवाही 2, पेंड्रा 3, पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड बोलते हैं इसको, तहसील बोलेंगे तो पेंड्रा रोड बोलेंगे, तब क्या नाम है इसका? तहसील में नाम क्या है? पेंड्रा रोड। विकास खंड की बात करते हैं ब्लॉक का, तो इसका नाम है मरवाही। इसका नाम क्या है? मरवाही। ये ब्लॉक है गौरेला 1 और ये गौरेला 2। समझ में आया है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ब्लॉक का बात करोगे, तहसीलों की बात करते हैं तो देखो मरवाही, पेंड्रा, पेंड्रा रोड और ये हो जाएगा सकोला कोतमी, 4 तहसील वर्तमान में। विकास खंड 3। विकास कौन कौन सा? मरवाही 1, नाम इसका गौरेला 1 है, गौरेला 1 और गौरेला। चलिए नीचे से आ रहा है आपके लिए ट्रेन रूट, बिलासपुर गौरेला। ये निकल गया अनूपपुर, मध्य प्रदेश में जगह क्या पड़ेगा? अनूपपुर। अनूपपुर से फिर ये घूमेगा एमसीबी होके निकले, एमसीबी से होके कोरिया से होके तेरा अंबिकापुर तक जाएगा। लेकिन ये ट्रेन रूट देखो इधर, जलेश्वर धाम के ऊपर में एक यहाँ पर मंदिर है, ऊपर में एक मंदिर है, नाम है मरही माई मंदिर। मंदिर का नाम याद हुआ? मरही माई मंदिर। और जलेश्वर के नीचे में राजमेरगढ़, जलेश्वर के नीचे क्या है? राजमेरगढ़ का हिल्स, हिल ऑफ राजमेरगढ़।
एक ये एक पहाड़ हो गया, एक यहाँ पर ये देखो पेंड्रा दिख रहा है, पेंड्रा के ही समीप में यहाँ पर पड़ेगा। आपको उस दिन मैं क्या बता दिया, मनियारी नदी का उद्गम क्या बता दिया था, कोडरी खोमसरा। मनियारी नदी का उद्गम याद रखना है पेंड्रा लोरमी का पठार सिहावल सागर, इतना ही बस याद रहना, पेंड्रा लोरमी का पठार सिहावल सागर। और इस पहाड़ी का क्या नाम है, खोडरी खोमसरा, खोडरी खोमसरा, खोमसरा। यहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी, अरपा। कौन सी नदी निकलती है भैया आपकी, अरपा। कौन सी नदी निकलती है आपकी, अरपा नदी। अरपा की एक सहायक याद रखना है मलनिया नदी, अरपा की एक सहायक नाम है मलनिया। नदी का नाम क्या है, मलनिया। यहां पर एक और हिल है, एक और पहाड़ है, नाम है पलमागढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई याद रखना पलमागढ़, पलमागढ़ 1080। यहां पर एक और पहाड़ है घाट बेहरा का पहाड़, घाट बहरा। इसी के पास यहां पर एक गांव है लोढ़ा ग्राम। इस लोढ़ा ग्राम से एक मंदिर है पाट बाबा का मंदिर। इस लोढ़ा ग्राम में क्या है, तो पाट बाबा का मंदिर। ओके, लोढ़ा ग्राम याद रहेगा, घाट बहरा, पलमागढ़ चोटी, मलनिया नदी। इस एमपी में यहां से दो नदियां, अमरकंटक से दो नदी निकलेगी, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। नीचे आ रहा है इसका नाम नर्मदा है, और ये जो ऊपर जा रहा है इसका नाम है सोन। नर्मदा और सोन, जलेश्वर से एक नदी निकलेगी जोहिला, जोहिला नदी। यहां से एक ऊपर तरफ से नदी निकलेगा तिपान, पान नदी। घाट बहरा से एक नदी निकलेगा बमनी नदी। इस बमनी नदी पर झोझा वाटरफॉल, कौन सा वाटरफॉल, झोझा वाटरफॉल। इस पकरिया के पास यहां पर एक जंगल सत्याग्रह, नाम है पकरिया जंगल सत्याग्रह, पकरिया जंगल सत्याग्रह। कितनी बातें याद रखनी है कम से कम, किसके बारे में, गौरेला पेंड्रा मरवाही के बारे में। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन कब हुआ है भैया, कब हुआ, 2020 10 फरवरी के दिन ही हुआ। इस दिन छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष नाम राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का क्या था, इस दिन जन्म, ठीक है, बर्थडे है, इसलिए इस दिन को अमर बनाने के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही को क्या कर दिया गया, इसी दिन क्या जिला घोषित, जिला बनाया गया, ठीक है। चलिए अब इसमें लाइन से देखते चलिए जगह। अगर मैं तहसील की बात करूं तो चार, तहसील की बात करूं तो कितना है, चार, चार 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 तहसील। पहला ध्यान से देखिए, पहले तहसील का नाम मरवाही, दूसरे तहसील का नाम पेंड्रा, और तीसरे तहसील का नाम पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड का तीन ठो नाम है तहसील में, पेंड्रा रोड। तहसील में क्या नाम है, विकास खंड में गौरेला टू,
और जिला मुख्यालय में गौरेला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या नाम पड़ेगा उसका, गौरेला, इतना सारा नाम है उसका। और एक अंतिम तहसील का नाम क्या ये, तकोला कोतमी, ये चार तहसील है, तीन विकास खंड, कितने विकास खंड, तीन विकास खंड। चलिए सबसे पहले बिलासपुर तरफ से स्टेट हाईवे नंबर 8 पकड़ के आप पहुंचे गए गौरेला, कहाँ पहुंच गए, गौरेला तहसील है, तहसील है तब नाम है इसका पेंड्रा रोड, नाम क्या है इसका, विकास खंड में नाम होगा गौरेला 2, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलेंगे तब क्या नाम पड़ेगा, गौरेला। यहाँ तक नेशनल हाईवे नंबर 45 बिलासपुर से भोपाल को जोड़ता है, ये टच होता है तो एक नेशनल हाईवे गुजरती है, लेकिन कहाँ तक गुजरती है, केवल केवल कहाँ तक गुजरता है, गौरेला तक, कहाँ तक जाता है, केवल गौरेला तक। आगे देखो ये गौरेला का और खासियत सुनना पहले ध्यान से, इसी पेंड्रा रोड से 1900 में, इसी पेंड्रा रोड से सन 1900 में छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र, इसका प्रकाशन किया गया, इसके द्वारा, माधव राव सप्रे के द्वारा। तो माधव राव सप्रे के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, नाम क्या उसका, छत्तीसगढ़ मित्र, कहां से प्रकाशित होता था, पेंड्रा रोड से, कहां से, पेंड्रा रोड से, कहां से, पेंड्रा रोड से, कहां से, पेंड्रा रोड से, ठीक है। माधव राव सप्रे का सहयोगी, माधव राव सप्रे का सहयोगी राम राव चिंचोलकर, राम राव चिंचोलकर। भैया कोई भी न्यूज़पेपर निकालोगे तो पैसा पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, तो उसका फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार से मदद किसने किया, राम राव चिंचोलकर के द्वारा। कितनी बातें, तहसील, विकास खंड, जिले का जिला मुख्यालय, 1900 में इस पेंड्रा रोड से, पेंड्रा रोड, गौरेला जिसको बोलते हैं अपन, पेंड्रा रोड उसका नाम है, इस पेंड्रा रोड से 1900 में का पहला समाचार पत्र, नाम क्या उस, छत्तीसगढ़ मित्र, इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ माधव राव सप्रे के द्वारा, इसके सहयोगी का नाम राम राव चिंचोलकर, ठीक। इसके जस्ट आगे जाएंगे तो आपको जगह पड़ेगा अंजनी, अंजनी इसका, इस जगह, इस जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है, अन्य नाम है रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, रानी अंजनी बोलिए चाहे, सॉरी रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, या अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया, अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया, मध्य छत्तीसगढ़ है, मिडिवल छत्तीसगढ़ है, जब भी ये बात आज के बाद निकला मेरे मुंह से, मध्य छत्तीसगढ़ है, इसमें तीन संभाग पड़ेगा, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग, रायपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन और आपका राय, एक ठोक बिलासपुर डिवीजन, बिलासपुर रायपुर और दुर्ग, तीनों डिवीजन को मिलाएंगे तो मिडिवल छत्तीसगढ़, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में केवल एक डिवीजन और साउथ छत्तीसगढ़ में केवल एक डिवीजन, मिडिल छत्तीसगढ़, ठीक है, ये के पूरा का पूरा मिडिल छत्तीसगढ़ जो है कड़प्पा रॉक्स, चट्टान में क्या मिलेगा, कड़प्पा, इस क्रम की चट्टानों से बना है, कड़प्पा क्रम की चट्टानों से, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाने वाला चट्टान कड़प्पा क्रम का चट्टान, मध्य छत्तीसगढ़ पूरा किस रॉक्स से बना है, किस चट्टान से बना है, कड़प्पा क्रम की चट्टानों से। इस चट्टान की खासियत है, इसमें मिलेगा लाइम स्टोन और एक मिलेगा आपको क्या, डोलोमाइट, कितने चट्टान पढ़ा दिया, तीन चट्टान पढ़ा दिया, गोंडवाना कोयला, गोंडवाना में कोयला, दक्कन ट्रैप बॉक्साइट, अभी पढ़ाया कड़प्पा, क्या मिलेगा, डोलोमाइट और लाइम स्टोन, डोलोमाइट और लाइम स्टोन, चूना पत्थर और डोलोमाइट। तो अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में, अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में
सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ये यहाँ पर डोलोमाइट का ये क्या है, इंडस्ट्री है। अन्य नाम रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। काय का प्लांट है यहाँ पर? डोलोमाइट। काय का? ऊपर चले तो पकरिया, जगह क्या पड़ेगा? पकरिया, पकरिया, पकरिया। यहां प्रजनन केंद्र है बकरिया का, तो बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? पकरिया। बकरी प्रजनन केंद्र पकरिया, पशु प्रजनन केंद्र पेंड्रा। बकरी भी एक पशु है, लेकिन केवल बकरी के लिए बकरिया, और पशु प्रजनन केंद्र पेंड्रा। ओके। किसी पकरिया के पास में 1930 में एक जंगल सत्याग्रह हुआ, नाम है पकरिया जंगल सत्याग्रह। इस जंगल सत्याग्रह का नाम क्या पड़ा? पकरिया जंगल सत्याग्रह। कौन सा जंगल सत्याग्रह? पकरिया जंगल सत्याग्रह। देखिए, 1930 में महात्मा गांधी जगह जगह जाते थे, नमक कानून तोड़ते थे, सिविल डिस ओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 जगह जगह महात्मा गांधी जाके क्या करते थे? नमक कानून तोड़ा करते थे। क्या तोड़ा करते थे? छत्तीसगढ़ में कहाँ नमक, कहाँ समुद्र, तो यहाँ पर क्या था? जंगल। तो अपन लोगों ने क्या तोड़ा? जगह जगह जंगल कानून। तो अपने को छत्तीसगढ़ में कम से कम 20 जंगल कानून पढ़ना है। जंगल सत्याग्रह कितना ठो? 20। उसमें एक नाम आया पकरिया जंगल सत्याग्रह। मैप में पढ़ाते पढ़ाते 18 आ जाएगा, 2 और पढ़ना है। कितना हो गया? 20। हो सकता है 20 का 20 मैप में आ जाए। पकरिया जंगल सत्याग्रह 1930। पकरिया और किसके लिए फेमस है? बकरी प्रजनन। ओके। गोट ब्रीडिंग सेंटर बोल सकते हैं, गोट। ओके। गोट ब्रीडिंग सेंटर। ऊपर पहुंचे तो पड़ेगा पेंड्रा, जगह का नाम क्या है? पेंड्रा। पहला बात, अगर मैं तहसील बोलूं तब नाम है पेंड्रा, लेकिन अगर विकास खंड बोलूंगा तो नाम क्या पड़ेगा इसका? गौरेला वन। विकास खंड बोलूंगा तो क्या नाम पड़ेगा इसका? गौरेला वन। क्या नाम पड़ेगा? गौरेला वन। इस पेंड्रा से आपको ये भी याद रखना है, रेल रूट भी है। पेंड्रा से क्या है आपके लिए पास? रेल रूट। छत्तीसगढ़ में एक गढ़ था, ये छत्तीसगढ़ में एक, छत्तीसगढ़ नाम है अपने स्टेट का। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर अलग अलग 36 फोर्ट था, किला। 36 किलों के नाम के कारण इस जगह का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। 36 अलग अलग प्रकार का क्या पाया गया यहां पर? किला, फोर्ट। ये जो किले हैं, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 और शिवनाथ नदी के नीचे 18, ऐसे बोला। शिवनाथ नदी के ऊपर 18, शिवनाथ नदी के नीचे 18, 18 18 36। तो छत्तीसगढ़ को बांटने वाली नदी शिवनाथ नदी। अगर अपन छत्तीसगढ़ में गढ़ों की बात करेंगे तो इस पेंड्रा करके कोई आपको गढ़ नहीं मिलेगा, एक नया टाइप का गढ़ मिलेगा, कंडरी। एक गढ़ का नाम क्या है? कंडरी। तब गढ़ जब था ये पेंड्रा, तब इसका नाम क्या था? कंट्री। सुनते जा पेंड्रा के बारे में। जब ये पेंड्रा शुरू में कलचुरी काल में इस पेंड्रा को बोला जाता था कोमोमंडल। क्या नाम था इसका? कोमोमंडल। इसमें कलचुरी राजा रत्नदेव, ठीक है, कलचुरी शासक रत्नदेव, इस रत्नदेव के का शादी कोमोमंडल के राजा बैजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला के साथ हुआ था। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में एक गढ़ था, नाम था कंडरी। नाम क्या था इसका? तहसील का नाम है पेंड्रा, विकास खंड का नाम है गौरेला वन। गौरेला पशु प्रजनन केंद्र है, तहसील है, विकास खंड है, ट्रेन रूट की सुविधा है, ट्रेन रूट की सुविधा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जब यह गढ़ था तब नाम था इसका कंडरी। कलचुरी काल में इस जगह का नाम क्या था? कोमो मंडल। कलचुरी काल में इस जगह का क्या नाम था? कोमो मंडल। कोमो मंडल के राजा बैजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला के साथ किसका विवाह हुआ? रत्नदेव प्रथम। ठीक है, और आगे बात करेंगे तो मराठा काल की बात करेंगे तो मराठों का विशेष तौर पर सहयोगी हुआ करते थे पिंडारी। कौन? पिंडारी। तो पिंडारियों का छत्तीसगढ़ में यही एक क्षेत्र था। पिंडारियों का छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पेंड्रा। पिंडारी 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 धीरे से नाम हो गया पेंड्रा, नहीं बोल पाया छत्तीसगढ़िया आदमी जोड़ना पेंड्रा था है। क्या बोल दिया? पेंड्रा। धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया इसका? पेंड्रा। ओके, 1902 रविन्द्रनाथ टैगोर, 1902 रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी को क्षय रोग हो गया, टीवी। कौन सा रोग हो गया? टीवी। तो पहले ये यहाँ पर सेनेटोरियम था पेंड्रा में, टीवी के लिए क्या था? सेनेटोरियम। तो ये यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने पत्नी का इलाज कराने आ रहे थे पेंड्रा। तो पेंड्रा आने आज आज पेंड्रा जाने के लिए लगातार ट्रेन नहीं है, पहले के जमाना छोड़ 1902। तो उनको ट्रेन नहीं था तो बिलासपुर स्टेशन में 6 घंटे तक बैठना पड़ा। कौन से स्टेशन में? उसके बाद पेंड्रा वेंड्रा गए, इलाज विलाज कराए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी प्रणाली उणाली नाम है उनका, क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। बाद में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, फाकी, FAKI, फाकी। क्या लिखा पुस्तक? फाकी। इस पुस्तक में अपने साथ जो जो बीता, मेरा मनोदशा कैसा था, मैं स्टेशन में बैठकर क्या सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सारा मनोभाव उसने अपने एक ग्रंथ पर लिखा। उसका नाम क्या है? फाकी। क्या नाम है उसका? 1902। तो इस फाकी ग्रंथ में उन्होंने बिलासपुर स्टेशन में बैठे हुए अपने मनोभाव, मनोचित्त का, मेंटलिटी का, क्या मेंटलिटी लेकर बैठा हुआ है वो, और साथ साथ पेंड्रा का अपना जो यात्रा किया, ट्रेवल किया, इसके बारे में, पेंड्रा वेंड्रा इन सब के बारे में भी उस रचना या ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ फाकी ग्रंथ का क्या नाम है? फाकी। होना तो पड़ेगा ना भाई, यही सब तो सवाल। ऊपर जाओगे पड़ेगा जगह धनपुर, ऊपर जाने से जगह क्या पड़ेगा? धनपुर। धनपुर के बारे में दो तीन बातें याद रखना है। धनपुर तो पहला बात याद रखना है, उत्तर पाषाण काल का साक्ष्य है, पोस्ट स्टोन एज का, प्री मिडिवल पोस्ट ऐसा पढ़ना है अपने को, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो ये देखो केवल उत्तर पाषाण काल छत्तीसगढ़ में पढ़ना है। उत्तर पाषाण काल को मेनली कहाँ पर पढ़ना है? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य, प्री स्टोन एज के साक्ष्य कहाँ से मिले, सॉरी पोस्ट स्टोन एज के साक्ष्य, एविडेंस कहाँ से मिले अपने को? धनपुर से। धनपुर एक छत्तीसगढ़ में एक गढ़ भी था, छत्तीसगढ़ में एक गढ़ भी था धनपुर से। याद रखना यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित स्थल है। एक पत्थर पर एकदम बड़ा भयंकर बड़ा वो बनाया गया, पत्थर को किन्नी हथौड़ी से ठोक ठोक कर एक क्या दिया गया, मूर्ति बनाया गया पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर। वो मूर्ति है अजानुबाहु का। क्या होता है अजानुबाहु? कोई भी अजानुबाहु किसको बोलते हैं? अजानुबाहु का मतलब होता है अगर ये मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा हाथ घुटने के पार कर जाए, तो जिस आदमी का हाथ ऐसे होगा इतना बड़ा बड़ा, बाहु अजानु।
अब क्या कहलाएगा, अजानू। कई लोग कहते हैं भैया हाथ आलम्बा, मैं नेचुरल ऐसे हूँ, मेरा हाथ यहीं तक है, उनका अगर घुटना पार कर दिया ऐसे वो क्या बोला जाता है, अजानू बाहू। तो अजा, और यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं बेनी बाई का है, इसकी मूर्ति बोलते हैं उसको बेनी बाई की मूर्ति, ठीक है। लेकिन ये जैन तीर्थंकर का है, मूर्ति कैसा है, अजानु बाहू। अजानु बाहू मतलब जिसके हाथ घुटने के पार चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, अजानु, ठीक है। है किसका, जैन तीर्थंकर का, लेकिन यहाँ के लोकल लोग क्या बोलते हैं, बेनी बाई की मूर्ति। किसकी मूर्ति, बेनी बाई। ये रहा धनपुर, धनपुर के ऊपर मरवाही, धनपुर के ऊपर मरवाही। मरवाही एक तहसील है, विकास खंड है, और ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का क्या है, चुनाव क्षेत्र। कौन सा, मरवाही। उससे भी कहीं ज्यादा वर्तमान समय में फेमस है यहाँ पाया जाता सफेद भालू, क्या पाया जाता है, कौन सा भालू, सफेद भालू। तीन तहसील लगे हुए हैं, तहसील नाम सुनो ध्यान से, मरवाही, ऊपर में मनेंद्रगढ़, और कोरबा तरफ कटघोरा, कोरबा तरफ कटघोरा। इन तीनों तहसीलों में, ठीक है, इन तीनों तहसीलों में ये सफेद भालू पाया जाता है। इसीलिए इस तीनों तहसील को एक यहाँ पर परियोजना चला दिया गया, जामवंत परियोजना। कौन था जामवंत, रामायण में था कि महाभारत में था, महाभारत में भी था और रामायण में भी था। कहाँ कहाँ पर था, रामायण महाभारत में, किसके दरबार में था जामवंत, हाँ किसके दरबार में रहते थे जामवंत, राम के नहीं रहे, सुग्रीव के, किसके इस दरबार में, सुग्रीव के मंत्री थे ये, थे भालू, थे क्या, भालू। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या चला रहा है, जामवंत परियोजना, भालू भालू। लेकिन व्हाइट बियर सफेद भालू, ये केवल ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, ऐसे प्रदेशों में पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में। तो आपके छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है विशेष तौर पर सफेद भालू, वाह। काला भालू तो मत पूछ, छत्तीसगढ़ में कई जगह है, कांकेर पूरा प्रकोप में घूमता है, शाम के 9 बजे के बाद आए दिन किसी भी उठा कर ले जाता भालू, ठीक है। ये तेरा गरियाबंद, एक ये तेरा ये देख गरियाबंद में, वो पहाड़ में घंटी बजाने आता है मंदिर में, ठीक है भालू जी। काला भालू का कोई वो टेंशन नहीं, लेकिन कितना है, लेकिन विशेष तौर पर सफेद भालू का क्षेत्र याद रखना है, मरवाही। कौन सा क्षेत्र, ओके, इस लकीर में कोई दिक्कत है तो बताओ। स्टेट हाईवे नंबर एट, पहला जगह क्या पड़ा, गौरेला, इसके बाद पड़ा अंजनी, इसके बाद पड़ा पकरिया, फिर पड़ा पेंड्रा, फिर पड़ा धनपुर, फिर पड़ा, किस रोड पर आ जाइए, किस रोड में अपने को पड़ेगा सबसे पहले ये पहाड़। ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हिस्सा है। लेकिन बोलोगे अमरकंटक की पहाड़ियां, काय की पहाड़ियां, अमरकंटक, अमरकंटक से अपने काम का केवल दो ही चीज है। इस अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, एक नीचे तरफ निकल जाए, नीचे तरफ नहीं ये निकल जाएगा गुजरात, कहाँ जाएगा, पूरा मध्य प्रदेश में बहते हुए गुजरात में जाके खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाएगा नर्मदा नदी। और सोन नदी यहाँ से निकलेगा पूरा छत्तीसगढ़ के ऊपर ऊपर बाउंड्री बनाते हुए इटारसी के पास जाके निकल जाएगा, मिलेगा किस में, गंगा में।
किसमें मिल जाएगा? गंगा में, ठीक है। बहुत सारी छत्तीसगढ़ की नदियां इनमें मिलती है, सोन में तो कुछ ज्यादा ही मिलता है, नर्मदा में तो बहुत कम ही मिलेगा, सोन नदी में बहुत मिलेगा। कैसे? देखो जोहिला नदी, ईपान नदी, उधर से देखो आप कन्हार नदी, रेंड नदी, बनास, गोपद, नेऊर, ये सब किसकी सहायक है? सोन की। ये सब किसकी ट्यूबरीज है? सोन की। बात सब धीरे धीरे जोड़ते चलना है। अनहार, कन्हार, रेन, बनास, गोपद, नेऊर, जोहिला, तीपान, ये सब किसकी सहायक है? सोन की। इसीलिए छत्तीसगढ़ का ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस ड्रेनेज को बोला जाता है सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम, सोन गंगा अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह। क्लियर? चलिए अब इधर इस पार की बात करेंगे तो ये जगह है कबीर चबूतरा। नाम क्या है इसका? कबीर चबूतरा। जगह का नाम क्या है? कबीर चबूतरा। इस कबीर चबूतरा से याद रखना है कि कबीर पंथ के संस्थापक नाम कबीरदास जी, कबीरदास जी ने गुरु घासीदास को, सॉरी धनी धर्मदास जी को, इनको धनी धर्मदास जी को अपना पहला उपदेश इसी कबीर चबूतरा में दिया, इसीलिए जहां पर बैठे थे उस जगह को बोल दिया चबूतरा। नाम क्या पड़ गया? कबीर चबूतरा। गांव में देखना चबूतरे में बैठ के बड़े बुजुर्ग ज्ञान देते रहते बच्चों को, वैसे ही कबीर चबूतरा। तो कबीर दास जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? अपने शिष्य धनी धर्मदास जी को। और ये धनी धर्मदास जी के पुत्र मुक्तामणि नाम साहेब या चूड़ामणि नाम साहेब ने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का संस्थापक चूड़ामणि या मुक्तामणि नाम साहेब, ये कौन था? धनी धर्मदास जी के पुत्र, धनी धर्मदास जी के पुत्र को माना जाता है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथों का संस्थापक। धनी धर्मदास जी नहीं है, इसका पुत्र हुआ। इसने अपनी पहली गुरु गद्दी, गुरुओं की एक गद्दी होती है जहां पर ये उसके फॉलोअर्स वहां आते हैं, नाम बोलते हैं गुरु गद्दी। क्या बोला जाता है उसको? गुरु गद्दी। तो कबीर पंथियों की पहली गुरु गद्दी छत्तीसगढ़ में कोरबा के कुदुरमाल में मुक्तामणि नाम साहेब या चूड़ामणि नाम साहेब के द्वारा क्या किया गया? स्थापित किया गया था। इसीलिए मुक्तामणि नाम साहेब या चूड़ामणि नाम, दोनों एक ही नाम है ना, मुक्तामणि बोलिए चाहे चूड़ामणि बोलिए, इसीलिए मुक्तामणि नाम साहेब या चूड़ामणि नाम साहेब को छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का क्या बोला जाता है? संस्थापक। इसके बाद इसी पंथ, इसी कबीर पंथ से बारहवा गुरु हुआ। इस बारहवें गुरु का नाम याद रखना है उग्र नाम साहेब। बारहवा गुरु का नाम क्या है? उग्र नाम साहेब। उग्र नाम साहेब ने दामाखेड़ा, बलौदा बाजार, जिला कौन सा? दामाखेड़ा में कबीर पंथियों के लिए क्या किया? एक और गुरु गद्दी स्थापित की। बाद में अब कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल क्या कहलाता है? दामाखेड़ा। अब गुरु परंपरा यहीं से चलती है। वर्तमान में इनके 15वें नंबर के गुरु हैं प्रकाश मुनि नाम साहेब। वर्तमान में कौन है? गुरु हैं। बहुत सारा पढ़ाना है तुमको, पूरा एक एक फ्लाइन से गुरु 15 तक। कब तक? 15 तक, ठीक है। ये है कबीर पंथ। लगा हुआ है ज्वालेश्वर धाम। है क्या? ज्वालेश्वर। छत्तीसगढ़िया लोग बोल बोल के जलेश्वर बोल दिए, ज्वालेश्वर ऐसा नाम नहीं निकल पाया, इसलिए क्या बोल दिए? जलेश्वर धाम है एक शिव का टेम्पल। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। यहां से निकलती जोहिला नदी, नाम याद रहेगा? ज्वालेश्वर जोहिला, ज्वालेश्वर जोहिला। जोहिला नदी यहां से उद्गमित होती है और ये जाके सोन नदी में मिल जाता है। एक बार बीएससी वाला क्वेश्चन पूछा था, सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? इस जगह का नाम याद रखना, सोन मुंडा। सोन मुंडा, सोन मुंडा से, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्वालेश्वर मंदिर के ऊपर में एक मंदिर और नीचे में एक पहाड़। पहले मंदिर की बात करते हैं, नाम है मरही माई मंदिर। कौन सी मंदिर? मरही माई मंदिर। यहां से देखो ट्रेन रूट है, दिख रहा आए दिन क्या
यहाँ पर जब भी ट्रेन गुजरती थी आए दिन हादसा हो जाता था, आए दिन एक्सीडेंट होता था, आए दिन। 1984 में तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से एक ट्रेन गुजरता है, इम्पोर्टेंट ट्रेन, नर्मदा एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? नर्मदा एक्सप्रेस। नर्मदा एक्सप्रेस 1984 में यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो आज भी इसका कलपुर्जा इधर उधर फेंकाया है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ के स्थानीय लोग और रेलवे डिपार्टमेंट मिलकर इस जगह को घेर बांधे, बांधना मतलब देखो तंत्र मंत्र को बोलते बांधना। जैसे अभी आप लोग एक त्यौहार मना के निकले, छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, क्या त्यौहार? हरेली। हरेली त्यौहार के दिन क्या करते हैं कि उस गांव का जो बैगा होता है, जो बैगा होता है उस गांव को बांध देता है, ताकि उस रात को जितने भी तुम जैसे दैवी मतलब भूत प्रेत लोग रहते हैं उसी दिन जागृत होते हैं। सबसे ज्यादा भूत प्रेत रावण अमावस्या के दिन ही क्या होते हैं, असुरी शक्तियों का दिन बोला जाता है उसको। गाँव गाँव में क्या करते हैं, बच्चों को 7-8 बजे के बाद घर में कोई निकलने ही नहीं देते, चल फटफड़ापड़ मारे घर में, निकलने का जरूरत नहीं है। तो ये क्यों किया जाए गांव को, और बैगा क्या करता है, इस पूरे गांव को बांध देता है, बांध देता है। बांधने का तुम लोग को सीधा सीधा मतलब बता रहा हूँ, स्त्री पिक्चर देखे हो, एक तो फोटो बना देता है और वहां पर क्या लिख देता है, स्त्री कलाना, ऐसी लिखता है ना, स्त्री कलाना। तो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी रहती है कि पढ़ के चल देती, कलाना बोले हैं तो पढ़ के चल देती है। तो वैसे ही बैगा पूरा गांव को बांध देता है, भूत कलाना, ठीक है। तो वो भी बेचारा, हाँ वो भी पढ़ा लिखा रहता है, चल देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बांधना। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, इस जगह को बांध दिया। स्थानीय लोग, स्थानीय मतलब ये माइकल पर्वत श्रेणी है, कौन मिलेगा बैगा, तो बैगा आदिवासी अगरिया और गोड़, ये यहाँ के लोकल, ठीक है, यहाँ के बैगा घूमिया। और रेलवे डिपार्टमेंट ने इस जगह पर एक मंदिर बना दिया, नाम पड़ गया मरही माई मंदिर। लोग बिकट मरते थे, नाम क्या पड़ गया, मरही माई। तो मंदिर बनने के बाद कुछ समय तक यहाँ पर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। बोले वाह काम कर रहा है सिस्टम, काम कर रहा है। इस तरह ये मंदिर फेमस हो गया, मरही माई मंदिर। नीचे राजमेरगढ़ हिल स्टेशन, ऐसा स्टेशन हिल स्टेशन राजमेरगढ़, जमीन से ऊंचाई 3000 फीट। कितनी फीट? 3000 फीट, एक बात। दूसरा बात ये याद रखना है, इसे दूसरा अमरकंटक कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मेघालय कहते हैं। टूरिज्म स्कूल खुल रहा है यहाँ पर, और उभरता हुआ हिल स्टेशन। 4-5 बात लाइन से याद रखना, छत्तीसगढ़ का मेघालय राजमेरगढ़, दूसरा अमरकंटक राजमेरगढ़, छत्तीसगढ़ का पहला टूरिज्म कॉलेज राजमेरगढ़, छत्तीसगढ़ का उभरता हुआ गौरेला पेंड्रा मरवाई में हिल स्टेशन राजमेरगढ़। ये बातें किसके बारे में याद रखना है, राजमेरगढ़ के बारे में। नीचे ऊपर देखोगे तो एक और पहाड़ दिख रहा है, नाम क्या है इसका, कोडरी खोमसरा की पहाड़ी। इस खोडरी खोमसरा की पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम, और ये अरपा नदी फाइनली कहाँ जाती है, बिलासपुर। कहाँ जाती है, बिलासपुर। बिलासपुर शहर किस नदी के तट पर है, अरपा नदी के तट पर है। अरपा नदी का उद्गम याद रखना है गौरेला पेंड्रा मरवाही से, जगह याद रखना है खोडरी खोमसरा की गुफाओं से। उस कॉर्नर पे आ जा पलमागढ़ चोटी, पलमागढ़ चोटी, पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का लोरमी के पठार के सबसे ऊंची चोटी का नाम है पलमागढ़ चोटी। पेंड्रा लोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी पलमागढ़ चोटी, पलमागढ़ चोटी की ऊंचाई याद रखना है 1080। तो मोबाइल देखते हो, 240, 360, उसके बाद 480, 720, फिर आएगा और क्या, 1080।
HD एकदम। आधा घंटा में 1 GB खत्म, 1 घंटा में खत्म करना है तो 1080 रेजोल्यूशन में देख लो। लेकिन ना, ये पूरा पुराना है, 144 मेहनत कर देंगे पूरा वही। ओके, तो ये याद रखना है क्या चीज आपको, पलमागढ़ चोटी। पलमागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, क्वेश्चन आ चुका है, 1080। ठीक है, पेंड्रालोरमी का पठार का सबसे ऊंचा चोटी पलमागढ़ चोटी, 1080, 1080, क्लियर? ठीक है, इसके बाद नीचे आओ। ये है घाट बहरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी? घाट बहरा की पहाड़ी। घाट बहरा पहाड़ी से एक नदी निकलती, नाम है बमनी नदी। नाम क्या है इस नदी का? बमनी नदी। बमनी नदी पर एक वाटरफॉल है, झोझा वाटरफॉल। झोझो नहीं, तुम लोग जूजू बोल दोगे थोड़ा देर बाद। झोझा वाटरफॉल, क्या नाम है इसका? झोझा वाटरफॉल। ये बस नाम जानना है, तिपान जोहिला ये लोग का नाम भर जानना है, मलनिया ये सब सिर्फ नाम भर जानना है बेटा, इनके बारे में नहीं जानना ज्यादा। ये देखो, ये तो ग्राम है लोढ़ा ग्राम, गांव का नाम क्या है? लोढ़ा ग्राम। यहाँ पर एक बाबा, एक मंदिर है, पाट बाबा का मंदिर, पाट बाबा मंदिर। मंदिर का क्या नाम है? पाट बाबा का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता देखो, यहाँ पर क्या है, एक ठोकना आदिवासी देवता है, आदिवासी देवता है, उसको घोड़ा ऊपर बैठा दिए हैं। क्या कर दिए हैं? घोड़ा को ऊपर में बैठा दिए हैं, और उसके घोड़ा के चारों पैर को, घोड़ा के चारों पैर को जंजीर से बांध के 4 ठो पिलर में बांध दिए हैं। किसमें बांध दिए हैं? 4 ठो पिलर में बांध दिए हैं चारों तरफ, मतलब वो घोड़ा एकदम, उसको एकदम पैक कर दिए हैं, अब वो हिल ही नहीं पा रहे। मूर्ति होता क्या था, ये जो भगवान या देवता था, पहले बोलते हैं ये खुल्ला था, पहले बांधे नहीं थे इसको, जंजीरों में जकड़े नहीं, तो पहले ये खुल्ला था। खुल्ला था तो क्या होता था, कोई पूजा पाठ करने आया, बढ़िया, उसके पीछे पीछे उसके गांव चल देता था, रात को जाता था, खास और कहाँ चल देता था, रात को उसके गांव में ही। सवेरे देख रहे हैं भगवान ही नहीं है, फिर खोज खाज के लालू आके इसको पकड़ के क्या किया जाता था, मंदिर में लाके फिर स्थापित किया जाता था। बढ़िया, पूजा पाठ हुआ, रात को फिर बाबा गया, फिर देख रहे थे आसपास किसी गांव में मिलता था, ठीक है, तो उसको फिर खोज खाज के लाके फिर वहां पर रखते थे। इस यही परंपरा चलने लगा, तो परमानेंट इसका क्या उपचार किया गया, इसके घोड़ा को जंजीरों में बांध दिए। अब तू कहाँ जाएगा बाबा बोले, तो बाबा अब वहीं पर है, ठीक है। तो यह है पाट बाबा का मंदिर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक से एक जनश्रुतियां कैसे करोगे, ठीक है। प्रसिद्ध पाट बाबा का मंदिर कहाँ है, तेरे लिए ही क्वेश्चन है, ठीक। और कुछ क्षेत्र बचे रहे यहां पर, एक केवची नाम भर जानना है। केवची रोड होके जाते हैं बेटा इधर, जब भी अमरकंटक जाते हैं लोग ना, केवची रोड होके जाते हैं, जलेश्वर धाम याद रखना बस। ओके,